नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बिहार पे। मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। अगर आप सिलाव में हैं और सिलाव का सबसे प्रसिद्ध मिठाई खाजा नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया। इस वक्त न्यूज बिहार की टीम जो है वो है राजगीर वाले रास्ते में, और राजगीर का ये सिलाव का स्थान है। और मेरे पीछे में देखिए, यहाँ पे सिलाव और खाजा, सिलाव के खाजे की बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी। तो हमने सुना था कि सिलाव का जो खाजा है काफ़ी प्रसिद्ध होता है, काफ़ी फेमस होता है। तो आज हमारी गाड़ी जो है वो सिलाव में रुक चुकी है और यहाँ के खाजे को टेस्ट करेगी, और साथ ही यहाँ के दुकानदारों से, साथ ही लोगों से बातचीत करेगी कि सिलाव का जो खाजा होता है कितना फेमस होता है। दादा हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार गुप्ता है। बताइए, सिलाव का खाजा क्यों इतना फेमस है? यहाँ अच्छा बनता है। अच्छा बनता है यहाँ पे? यहाँ पे अच्छा बनता है। जैसा यहाँ मिलेगा स्वाद, वो स्वाद कहीं नहीं मिलेगा आपको। लोग अपने घर पे इसको बना सकते हैं? सवाल नहीं उठता है। नहीं बना सकते? कभी हो ही नहीं सकता है। अच्छा, कितनी पुरानी दुकान है आपकी? मेरा 60 साल पुराना है। 1960 से मेरा दुकान। 1960-62 की दुकान है। देखिए, अब तक कितने, मतलब कहाँ कहाँ तक आपका खाजा जा चुका है? बहुत दूर, देश विदेश तक जाता है। अच्छा। देखिए, इसमें मेंशन भी किया हुआ है। अच्छा, ये देखिए मुखिया जी, मुखिया जी खाजा वाले जो है सिलाव के, इनका यह दुकान है और काफ़ी पुराना दुकान इनका है। और ये खाजा आपको स्क्रीन पर देखते ही जो है आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो सिलाव में अगर आप हैं, सिलाव आ रहे हैं, तो सिलाव का खाजा खाना मत भूलिए। भाई साहब ले जा रहे हैं सिलाव का खाजा। क्या नाम है सर आपका? शुभम कुमार। शुभम जी, बताइए इतना सारा खाजा लेके जा रहे हैं, कैसा लगता है खाजा आपको? खाजा यहाँ का फेमस है इसीलिए लेके जा रहे हैं। अच्छा, कितना लेके जा रहे हैं? ऐसे 20 पीस है, 500 ग्राम। 500 ग्राम लेके जा रहे हैं। घर के लिए ले जा रहे हैं, मेहमानों के लिए? मेहमानों के। मेहमान, अगर आपके घर पे भी मेहमान आते होंगे? हाँ, आते हैं, उन्हीं के लिए ले जा रहे हैं। उन्हीं के लिए ले जा रहे हैं, डिमांड बढ़ जाती है। नहीं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बात बताइए कि खाजा जो होता है बिहार का जो पुराना मिठाई है, अभी के ज़माने में लोग जहाँ खोआ की मिठाई पसंद कर रहे हैं, सिलाव के खाजे को पसंद कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, खाजे का अलग पहचान है, अलग स्वाद है। खोवा का अलग लेवल है, खाजा का अलग लेवल है। ये खाजा और खोवा में टक्कर नहीं है। लोग खाजा शौक से, इधर राजगीर जो आते हैं घूमने के लिए पर्यटक लोग, उस शौक से खाजा खाते हैं और ले जाते हैं घर। जी हाँ, विदेशी पर्यटक भी ले जाते हैं यहाँ से? बहुत विदेशी पर्यटक, बहुत। फीडबैक क्या बोले, जो उन लोग लेते हैं बेस्ट खाजा हम लोग देते हैं, ताकि वहाँ तक पहुँचे बढ़िया से पैकिंग करके। बिल्कुल नया, बिल्कुल नया। क्या बोलते हैं इस मिठाई के बारे में? प्रशंसा करते हैं खाने के बाद। प्रशंसा, हाँ, लेके जाते हैं बहुत सारा। चलिए, तो सिलाव में हैं हम और सिलाव का खाजा काफी फेमस है। भाई साहब, आप लोकल हैं क्या यहाँ के? हाँ, लोकल हूँ। अच्छा, ये बताइए यहाँ से कहाँ कहाँ तक जाता है खाजा? यहाँ से बहुत दूर दूर तक जाती है, दिल्ली तक, और भी बहुत सारी जगह है, मतलब विदेश भी जाती है यहाँ के। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे, मतलब यहाँ पे शीशा वाले पुल है, तो उसमें आते हैं सब विदेश से लोग घूमने, तो यहाँ से खाजा लेके जाते हैं। बहुत कोई पसंद भी करते हैं इस खाजे को। पसंद है खाजा? हाँ, मेरे को भी बहुत पसंद है। ऐसा होता है, ये है कि लोकल लोग जो होते हैं ना, लोकल की जो मिठाइयाँ होती है, एक बात है कि हम लोग का, मतलब देखते देखते मन भर गया है एक, लेकिन अगर नए लोग आते हैं तो उसको बहुत ही ज्यादा पसंद रहती है, बहुत ज्यादा पसंद। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हम लोग सिलाव में हैं और इसका खाजा और इसकी दुकानें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लैंडमार्क जो है ये रास्ता देख लीजिए, और इस रास्ते के ठीक अपोजिट साइड में, राजगीर वाले रास्ते से ठीक अपोजिट साइड में आप आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। इनका दुकान 60 वर्ष पुराना है, और इनके दुकान से ले जाइए। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। खाजा खरीदने के लिए खड़े हुए हैं भैया? जी भैया, खाजा लेने के लिए खड़े हैं। कहाँ से आए हैं? बिहार शरीफ से। बिहार शरीफ से आए हैं खाजा खरीदने के लिए। पसंद है खाजा आपको? काफ़ी अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा खाजा दिया जाएगा तो लोग नहीं खाते हैं, सिलाव का क्यों खाते हैं इतना? क्योंकि यहाँ का टेस्ट भी कुछ अलग मिलता है, थोड़ा गरम गरम मिल जाता है, ताज़ा भी मिल जाते हैं। मार्केट में अगर और भी लोकल मार्केट से आप परचेजिंग करेंगे तो थोड़ा क्वालिटी में भी अंतर हो जाती है, क्योंकि एक अलग पहचान है सिलाव की खाजा के बारे में। कितना ले जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं? 2 kg ले जा रहे हैं। 2 kg ले जाएंगे? मेहमानों को भी देंगे क्या? नहीं, जो घर से हम लोग राजगीर से आ रहे हैं, अभी पार्टी मनाकर लौटते से जा रहे हैं। अच्छा, तो उन्हीं को सबको देना है। अच्छा सर, हैं कहाँ रहते हैं? आए थे हाँ, राजगीर। अच्छा, कितना लेके जा रहे हैं यहाँ से? अभी कार्टून में जितना सामान जाएगा उतना ले लेंगे। अच्छा, जितना आ जाएगा उतना लेके चले जाएंगे। कितना पसंद है सर आपको खाजा? खाजा के नाम सुनते हैं बहुत अच्छा, इसलिए हम लोग भी
रुक करके ले ले रहे हैं। अच्छा, आप लोग के लिए मान लीजिए बहुत सारे लोग इस उम्र में शुगर जैसी समस्याएं हो जाती है, शुगर फ्री भी मिलता है? शुगर फ्री, कम शुगर वाला मिलता है, कम शुगर वाला मिलता है, इसलिए। आप कितने दिन से यहाँ पे खा रहे हैं, मतलब सिलाव का खाजा कितने दिन? कभी कभी आते हैं तो लेते हैं, कभी कभी आते हैं तो ले जाते हैं। चलिए, धन्यवाद। तो दर्शकों, अगर आप भी सिलाव में हैं और आपको खाजा खाना है तो सिलाव का ये खाजा एक बार ज़रूर खाइए। हमारी टीम यहाँ से गुजर रही थी तो हमने सोचा ये चीज़ और बिहार का सबसे पुराना मिठाई जो है वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। लगातार ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचाते रहेंगे, देखते रहिए हमारा चैनल। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।